एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम यहाँ पर बात करेंगे जो ECC T10 पुर्तगाल का आज के दिन का यहाँ पर मैच नंबर 1 होगा जो खेला जाएगा मलो और फ्रेंडशिप सीसी के बीच में। तो इस मैच की मैं आपको डेप्थ एनालिसिस करके दूंगा, बस आपको करना क्या है, वीडियो जो है आपको लास्ट मोमेंट तक वॉच करना है। सबसे पहले भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए और अगर आपने अब तक हमारा टेलीग्राम चैनल जो नहीं किया है तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर अगर आप कमेंट सेक्शन में जाओगे तो जो सबसे पहला कमेंट आपको मिलेगा टॉप पर पिन किया हुआ, उसमें भी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो दोनों जगह से जाकर आप इजीली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। मुकाबला स्टार्ट होगा 10 बजे, सेम ग्राउंड पर मैच है, आर्टिफिशियल विकेट हैं, 16 मैचेस हो चुके हैं, 7 जीते हैं, बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने 9 मैचेस हुआ है। अब देखो पहले बात कर लेते हैं मलो की टीम की, 4 में से 3 मैच जीती, 1 मैच हारी। ओपन करेंगे मियान साइदी और मोहम्मद अदनान। अब देखो मियान साइदी जो है ना, इस सीजन बड़ी बात क्या हो रही है, ये बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग भी करवा रहा है, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 रन 0 विकेट, 10 रन 1 विकेट, 0 रन 0 विकेट, 13 रन 2 विकेट, अदरवाइज इसकी बैटिंग कुछ खास है नहीं, लेकिन ये बॉलिंग भी करवा रहा है। मोहम्मद अदनान प्लेयर बहुत बड़ा है लेकिन फॉर्म अब तक दिखाया नहीं है, 14 15 0 10 है। अमनदीप सिंह लास्ट मैच में बॉलिंग नहीं करवाई, उससे पहले हर मैच में बॉलिंग कराई है, 4 मैच में 4 विकेट है, बल्ले से 16 30 42 7 है। सैयद मैसम ये भी बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग करेगा, 4 मैच में 4 विकेट, बल्ले से 7 27 40 0 हैं। फिर आएंगे यहाँ से जुल्फिकार शाह, बैटिंग ठीक ठाक कर रहे हैं लेकिन दिक्कत क्या है, नंबर 5 पर आ रहे हैं, 17 9 बैटिंग 33 18 है। नज़म सजाद भाई बहुत बड़ा ऑलराउंडर है लेकिन दिक्कत क्या हो रही है, नंबर 6 पर बैटिंग कर रहे हैं और एक ही ओवर की बॉलिंग मिल रही है, 11 रन 0 विकेट है, 5 रन 0 विकेट है, रिस्क ले सकते हो, टीम में पिक कर सकते हो। आमिर इकरम बहुत नीचे आ रहा है, 14 26 6 5 है। हरदीप सिंह 2 मैच खेला है, दोनों में बॉलिंग कराई, विकेट नहीं है, ग्रैंडली का पिक है, और यहाँ से रोशन सिंह का खास रिकॉर्ड है नहीं। असद महमूद पावर प्ले में बॉलिंग कराएगा, 4 मैच में 2 विकेट है, हर मैच में 2 2 ओवर डाल रहा है। अदनान गोंडल ये डेथ में बॉलिंग करवाता है, 1 ओवर डाल के 2 विकेट ले गया था 2023 में, 8 मैच में 6 विकेट है, 13 ओवर डाल के। अभी के लिए आप यहाँ से पिक कर सकते हो मियान साइदी, अमनदीप सिंह, सैयद मैसम, इनके बाद में नीचे से यहाँ पर अदनान गोंडल मेरे को अच्छा पिक लगा है। बाकी बेंच पर देखो बहुत सारे प्लेयर, अगर इनमें से कोई खेले स्टैट्स आपको शेयर कर दूंगा। स्टार्टिंग ओवर डालेंगे मियान साइदी, अशद महमूद, डेथ में आएंगे नजम सजाद, अदनान गोंडल और एच सिंह। सामने जो टीम है फ्रेंडशिप सीसी की टीम, लास्ट के 6 में से 3 मैच जीती, 3 मैच हारी। ओपन करेंगे इमरान खान और अशरफुल रूपो। इमरान खान का आप देखो 6 में से 3 मैच में 0 पर आउट हुआ है, बाकी 1 रन 41 रन 15 रन, तो उतना खास फॉर्म इसका है नहीं। अशरफुल रूपो इसने भी 1 58 की पारी खेली, उसके अलावा अगर आप देखो 10 19 2 6 12 बहुत ख़राब फॉर्म है। मोहम्मद अशद अच्छी बैटिंग कर रहा है, 4 मैच में ओवर तो 2 ही मिले लेकिन बल्ले से 52 24 35 नॉट आउट 0 है, तो बैटिंग से अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन है, 2023 में 9 मैच में 159 6 विकेट है। राहुल विश्वकर्मा लास्ट के 6 मैचेस में यहाँ पर 7 विकेट है, बल्ले से यहाँ पर 9 13 20 39 नॉट आउट 26 है। नजरुल इस्लाम है, इनकी बात करूँ तो देखो बैटर ये बहुत अच्छा है, दिक्कत क्या है, नंबर 5 पर बैटिंग कर रहा है, मतलब नीचे आ रहा है, 29 37 6 9 बैटिंग 14 है। बरुल हैदर है, 6 मैचेस में यहाँ पर 3 विकेट है, बल्ले से यहाँ पर 33 2 2 और 14 है। फिर आएंगे ऐसे सद्दाम अकबरी, खास रिकॉर्ड नहीं। इम्तियाज़ राणा लास्ट के 6 मैच में 5 विकेट है और लगातार 2 2 ओवर डाल रहा है। सज्जाद हुसैन भाई ये बंदा ना डेथ में बॉलिंग करवा रहा है, इसीलिए लास्ट के 4 मैच में 5 विकेट है। ताज महमूद लास्ट के 6 मैच में 9 विकेट है। इनामुल समीम का खास रिकॉर्ड नहीं। पिक करो यहाँ से अशरफुल रूपो, मोहम्मद अशाद, राहुल, बरुल हैदर, इम्तियाज़ राणा, सज्जादी हुसैन और ताज मोहम्मद। बाकी बेंच पर बहुत सारे प्लेयर हैं, इनमें से कोई भी खेले स्टेट्स मिल जाएंगे। स्टार्टिंग ओवर डालेंगे इम्तियाज़ राणा, ताज मोहम्मद, बरुल हैदर, डेथ में आएंगे सज्जिद हुसैन, इम्तियाज़ राणा, बी हैदर। एनालिसिस वाला जो पार्ट था इस मैच का हो चुका है कंप्लीट, चलूंगा डेमो टीम की तरफ, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना। आपको पता है सेकंड वाला T10 अपना काफ़ी अच्छा रहा था, उम्मीद कुछ इसी प्रकार की इस मैच में रहेगी। कल रात का नाइट का भी पुर्तगाल का मैच बहुत औसम रहा था, तो इस मैच में भी उम्मीद उसी प्रकार की है, बस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। देख लेते हैं यहाँ पर डेमो टीम। नेक्स्ट स्लाइड में भाइयों आपको डेमो टीम मिलेगी, लेकिन उससे पहले टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना ज़रूरी है। अगर आप डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होना चाहते हो, वीडियो के टाइटल में जाना, मोर पर क्लिक करना, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहुंच जाओगे, वहां पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, या फिर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स पर जैसे ही क्लिक करोगे तो जो आपको सबसे पहला कमेंट जो मिलेगा टॉप पर पिन किया हुआ, उसमें भी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो दोनों जगह से जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। देख लेते हैं यहाँ पर डेमो टीम।
डेमो टीम में मैंने विकेट कीपिंग सेक्शन से फिलहाल के लिए असरफुल रूपू बरुल हैदर और बैटिंग सेक्शन से राहुल सज्जादी होसेन और ऑलराउंडर सेक्शन से अमनदीप सिंह इम्तियाज राणा मोहम्मद अरशाद मोयान साइदी और बॉलिंग सेक्शन से सैयद मैसम अदनान गोंडल ताज मोहम्मद को रखा है। कैप्टन अमनदीप वाइस कैप्टन राहुल लेकिन ये फाइनल टीम नहीं है। सॉरी कैप्टन राहुल और वाइस कैप्टन अमनदीप लेकिन ये फाइनल टीम नहीं है। फाइनल टीम मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में सबसे पहले कमेंट में टॉप पर पिन किया हुआ दिया हुआ है। धन्यवाद।